नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, ट्रेजडी किंग गमराज की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रद्दी की रानी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। इंसान चाहे तो अपनी मेहनत एंड दृढ़ इरादों के बूते चांद को भी छू सकता है। अब जमाना भाप के इंजनों का नहीं है, जो प्लेटफॉर्म से हिलने में ही कितना समय लगाता था। अब जमाना है टेक्नोलॉजी का, स्पीड का, मेट्रो और बुलेट ट्रेन्स का, जो तुरंत रफ्तार पकड़ देती है। अब तो कुछ भी सोचते ही आप अमीर बनना शुरू हो सकते हैं। रद्दू जी, 4 सिप रद्दी चाहिए। कब तक पहुंच जाएगी जापान? सोचें सही दिशा में और ईमानदार होनी चाहिए। सारी रद्दी सही समय पर पहुंचा दी जाएगी, फिर चाहे धंधा कुछ भी हो वो मंदा नहीं हो सकता। सोचे बिगड़ जाए तो दिमाग भी बिगड़ जाता है। दिवाली का ये पटाखा मुझे बहुत पसंद है। इसके सुरभि में आग लगाते ही ये मिसाइल की तरह दगता है। और अगर इसका उड़ान क्षेत्र बदल दिया जाए, तो यानी इसको आकाश में उड़ाने की जगह तिरछा उड़ाया जाए, तो ये जहां जाकर फटेगा बुम, वहां आग लगा देगा। आग आग। रद्दी की दुकान में एक चिंगारी भी परमाणु बम के समान नुकसान करती है। अरे मेरी दुकान जल गई, पानी पानी, ये लो। अबे ये क्या लाया है मालिक? आपने ही तो पानी अभी मंगाया था। छपाक। सत्यानाश। अबे मैंने आग बुझाने के लिए मंगाया था और तू पानी पीने के लिए ले आया? अरे आग आग, अब बुझाते रहो आग। मेरा काम तो हो गया, सारी रद्दी को बना दिया मैंने राख। गमराज घटनास्थल के पास ही था। तो तू जिम्मेदार है उस आग का? यमुंडा जरा कसकर दे इसकी, इसको अपनी खोपड़ी की टक्कर। ओके स्वामी। गुरु, इसने आग भी लगाई तो रद्दी की दुकान को बात कुछ हजम नहीं हुई। बात तभी हजम होगी संकालू, जब ये आग लगाने का कारण बताएगा। धार, टनाक, आ। काला कागज से दुश्मनी मोल ली है तुम दोनों ने। तुम्हारी मौत का कारण बताकर ही मारना चाहता हूं मैं तुम्हें। झटक। फर। अरे ये तो कागज का हवाई जहाज उड़ा रहा है। साए साए। संकालू बच। साए। वो देख, कागज के हवाई जहाज के आगे पिन लगा था, वो हमें चुप सकते थे। गुरु बचो, इस बार उसने कार्ड्स फेंके हैं। साए। कार्ड्स लोहे के खंभे में जा धसे हैं। गुरु, अगर ये हमारी कनपटियों में आकर धसते तो हमारी खोपड़ियों में चीट, हमारी खोपड़ियों में चीरा लगा डाल, चीरा कर डालते। टनाक टनाक। काला कागज हाथ पांव का प्रयोग भी जानता है। थर थर। मेरे पास काले कागजों की भरमार है। साए। चकर चकर। आ। काले कागज यानी मौत देने वाले कागज। साए साए। आ। गुरु, ये तो चाकुओं की तरह धस गए हैं। यमुंडा जड़ उसको। जो आज्ञा स्वामी। यमुंडा, वो तेरी आंखों पर कागज के हथियार के प्रहार कर रहा है। अपनी आंखें बचा, मैं अपनी आंखों को हेडलाइट्स में ही बदल देता हूं। साए साए। वो कांच की है, हेडलाइट्स को भी कवर कर मूर्ख। हेडलाइट्स को लोहे की जाली का कवर देता हूं। टनाक टनाक। अब तुम्हें टोपी पहनाना जरूरी हो गया है। अरे ये टोपियां अंदर से चिकनी है, चिपकनी है, ये तो फटकर ही उतरी। चर। गुरु, वो काला कागज भी गायब हो गया, वो भाग गया। लेकिन पहले हमें आग बुझानी होगी। फायर ब्रिगेड इधर नहीं आ सकती, गली संकरी है। यमुंडा, आग दूसरे मकानों में ना फैल जाए तो फायर ब्रिगेड वाहन में बदल जा। ठीक है स्वामी। यमुंडा तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी में बदल गया। अरे ये तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी की आवाज है। इतनी बड़ी गाड़ी संकरी गली में यहां तक कैसे पहुंच गई? यमुंडा, भैंसे यमराज, भैंसा यमराज के भैंसे वृषभराज वृषभराज का पुत्र है और किसी भी वाहन में बदल सकता है। जल्दी करो, हॉज पाइप उतारो और आग पर पानी मारो। हाँ हाँ सर।
गमराज, दुकान में रखी सारी रद्दी तो जल गई, मगर तुम्हारी मेहरबानी से दुकान जलने से बच गई। ईश्वर को धन्यवाद दो। गुरु, उसके कागज के हथियारों से जख्म तुम्हें भी लगे हैं और मुझे भी। लो, वो एम्बुलेंस आ गई, दवा तो लगवा ही लो। वो 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 हाँ चलो। गमराज वो सारे कागज के हथियार बटोर लाया। संकालु, आश्चर्य की बात यह है कि जो हथियार हमें चाकू छुरियों की तरह लग रहे थे और लोहे के खंभे तक को चीर कर उसमें धसे जा रहे थे, अब ये मामूली कागज जैसे ही महसूस हो रहे हैं। इनमें अब वैसी धार नहीं रही। ये देख, ये कागज का जहाज हल्केपन के कारण हवा में उड़ रहा है। कटीला गरारी नुमा ये पेपर भी अब इतना हल्का हो चुका है कि शरीर में नहीं धस सकता। मैं चाय बनाता हूँ। मुझे लगता है इन पर किसी ऐसे रसायन का प्रयोग किया जाता है जो पेपर को लोहे जैसा सख्त कर देता है, और फिर कुछ ही देर में उस रसायन का असर भी समाप्त हो जाता है। गुरु, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो सकता है संकालु कि वारदात के बाद ये साबित करना कठिन होगा कि वारदात में कागजी शस्त्रों का प्रयोग किया गया है। यानी वो इन कागजी शस्त्रों से किसी का कत्ल भी कर दे तो अदालत में उसे साबित नहीं किया जा सकता। हाँ, मैं ये सोच रहा हूं कि उसने रद्दी की ही दुकान में आग क्यों लगाई। मुंबई की सारी रद्दी की तबाही मेरा टारगेट है। चल रे लाइटर, सुलग। और जला डाल इस ट्रक में भरी रद्दी। अब इस रद्दी को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। ओह, आगे स्पीड ब्रेकर है और मैं अपनी गति कम नहीं कर सकता। इसको स्पीड ब्रेकर पर उछलकर वो सीधा आकर गिरा गमराज की स्पोर्ट्स कार में। धप, वेलकम। अरे गुरु, ये तो वही है, इसे कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इसे कैसे पता चला कि मेरा असली नाम मोती है? गुरु, वो देखो, ट्रक में आग, धड़ाक। मैं यहाँ इसकी मौजूदगी का कारण समझने की चेष्टा कर रहा था संकालो, और वो आग देखते ही कारण मेरी समझ में आ गया। धार, अरे क्या कर रहे हो? ड्राइविंग पर ध्यान दो, टक्कर हो जाएगी। फिलहाल तो हमारी टक्कर तुझसे हो चुकी है। यमुंडा, जगड़ी से। ओह नहीं, ये पूंछ नहीं, फांसी का फंदा है स्वामी, और ऐसे फंदे खोलने में मैं माहिर हूं। यमुंडा, पूंछ इसकी गर्दन से हटा ले, वरना ये पेपर सीजर से काट देगा। देखा, खुल गया फंदा। पिछली दफा आग के कारण भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो जाने से मैं तुम लोगों को मारे बिना ही चला गया था, लेकिन इस अवसर को मैं नहीं छोड़ूंगा। गुरु, ये क्या है? मुझे ये आरी गेमी का माहिर खिलाड़ी लगता है संकालु। आरी गेमी, ये कौन सा खेल है? कागज के खिलौने बनाने के खेल को आरी गेमी कहते हैं, बच्चे इससे खूब खेलते हैं। पर ये पिस्तौल तो कागज की है, ये गोलियां कैसे उगलेगी? गुरु, ये हमें मूर्ख बना रहा है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। गोलियां चलाकर दिखाता हूं, तब तो डरोगे। संकालु बच। कब तक बचेगा ये, और कब तक बचोगे तुम इन पेपर बुलेट से? धा धा धा। यमुंडा, इसको गोली तेरे शीशे को तोड़ सकती है, तू भी बच। यमुंडा ने सामने का शीशा गायब कर गोली से खुद को बचाया। स्वामी, दो क्या इसको एक लात? अरे, ये खोपड़ी पर किसने मारा? थर। जब तक तुम दोनों जिंदा रहोगे, बस संकालु, क्लिक, तुम्हारी मेरी दुश्मनी कायम रहेगी। गुरु, वो तो गया। यमुंडा, रुक। क्रिंच। दोनों भागकर वहां पहुंचे, मगर वो अपने स्केट्स छोड़कर फरार हो गया। दोनों वापस घटनास्थल पर पहुंचे। गुरु, इस ट्रक में भी रद्दी कागज भरा है, और सारी रद्दी धू धू करके जल रही है। काला कागज रद्दी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? सारे शहर के रद्दी को फूंक डालूंगा। काला कागज ने किया सिग्नल गन से फायर। आई हेट रद्दी। फटका, भकाक, आग आग, मचाते रहो शोर। टर। पर अब ये सिलसिला नहीं थमेगा।
फटाक। जब तक रद्दी का एक भी कतरा मौजूद है, मेरी दिखाई चिंगारियां अपना काम करती रहेंगी। फटाक। ओ अखबार वाला, ये कंबख्त अखबार वाले रद्दी बढ़ाने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। तड़ाक। काला कागज ने सारे अखबारों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। भकाक। मेरा नुकसान क्यों कर दिया? आज के बाद तो मोहल्ले में अखबार नहीं बांटेगा। जब प्रेस अखबार छापेगी तो क्या मैं बेचूंगा नहीं? प्रेस? हाँ, प्रेस भी जिम्मेदार है। कल से अखबार छपना भी बंद। भड़ाक। बड़ुम। ओह, इस बच्चे इनके बैग तो देखो। कंबख्त, जैसे जैसे अगली कक्षाओं में चढ़ते जाते हैं, पुरानी किताब कॉपियों को रद्दी बढ़ाते जाते हैं, मगर अब मैं इनकी पीठ पर टंगे इस बोझ से इन्हें हमेशा के लिए मुक्त करा दूंगा। अरे, मेरा बैग कट गया। कट कट कट, मेरा बैग। उसने पिक्चर कार्ड्स फेंक कर हमारे वस्तु की बेल्ट काट डाली। भाग जाओ, अब ये बैग होंगे आग के हवाले। फटाक फटाक फटाक। यमुंडा, बच्चा, सामने बच्चे दौड़ रहे हैं। क्रिंच। उफ, बाल बाल बचे। बच्चे अचानक ही सामने आ गए थे। गुरु, वो देखो, बच्चों के बैग जल रहे हैं। इनकी घबराहट का कारण काला कागज ही होगा, मगर उसने बच्चों के स्कूल बैग क्यों जला डाले? बच्चों की कॉपी किताबों से रद्दी इकट्ठी होती है, शायद इसलिए। थोड़ी देर पहले उसने अखबार के कार्यालय में भी आग लगा दी थी। अब आप समझ नहीं रहे इंस्पेक्टर साहब, इन 20 ट्रकों में भरी रद्दी को मुझे पोर्ट भेजना है, जहां से इसे शिप द्वारा इंग्लैंड भेजा जाना है। वहां इस रद्दी से गद्दा बनाया जाएगा। लेकिन काला कागज जिस तेजी से रद्दी को अपना शिकार बना रहा है, उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि यह ट्रक पोर्ट तक पहुंच पाएगी। रद्दू जी, मैंने पुलिस फोर्स लगा दी है। काला कागज की मौत ही अब उसको इन ट्रक की ओर आने के लिए प्रेरित करेगी। यमुंडा, रुक रुक, उधर कोई समस्या है शायद। मुझे शंका हो रही है गुरु कि ट्रक रद्दी के लग रहे हैं, तो समस्या काला कागज ही होगा। रुकिए इंस्पेक्टर साहब। अरे गमराज, तुम सही वक्त पर यहाँ आए। वैसे तो पुलिस फोर्स है, मगर मैं चाहता हूँ कि रद्दी से भरे इन 10 ट्रकों के साथ तुम भी जाओ, ताकि रद्दी जी का माल सुरक्षित पोर्ट तक पहुँचाया जा सके। यही तो मैं नहीं चाहता। क्या मतलब? मतलब सीधा सा है, चौकीदार गली में हो तो चोर गली में क्यों घुसेगा? क्या मतलब? मतलब सीधा है, इन ट्रकों के साथ पुलिस फोर्स होगी तो काला कागज इन तक पहुंचने की चेष्टा नहीं करेगा, मगर रद्दी का तो वो पक्का दुश्मन है ही। हो सकता है तब रद्दी को नुकसान पहुंचाने के लिए काला कागज पूरी सीप को ही रास्ते में डुबो दे। गमराज नाम का ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, काला कागज ऐसा कर सकता है। तो फिर क्या करें? आप अपनी फोर्स हटा लें और इस रद्दी को सकुशल यहां से पोर्ट और पोर्ट से शिप द्वारा इंग्लैंड पहुंचाने का जिम्मा मुझ पर छोड़ दें। लेकिन हाँ, मुझे भी यही फिक्र है गमराज, तुम अकेले 10 ट्रकों को किस प्रकार सुरक्षा दोगे? नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। काला कागज को पकड़ने के लिए ये खतरा तो हमें उठाना ही होगा इंस्पेक्टर साहब, और मैं इस रद्दी को 10 ट्रकों में लेकर नहीं जाऊंगा। सारी रद्दी मैं इस स्पेशल यमुंडा लोडर में लेकर जाऊंगा। अरे, ऐसा ट्रक तुमने कहाँ से मंगाया? संकालू के खंडाला वाले चाचा जी से, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। वे इस ट्रक को इंग्लैंड भेज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सारी रद्दी इसी में लाद कर सिप पर पहुंचा दी जाए। वाह, इस ट्रक में मेरी रद्दी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब आप हो जाइए तनाव मुक्त। चल यमुंडा। ओके स्वामी। अरे, मैंने ट्रक को बोलते सुना, वो आधुनिक ट्रक है, शायद कंप्यूटर बोला होगा। मैं भी पोर्ट की तरफ रवाना होती हैं। यमुंडा, 10 ट्रकों को गुड्स का भार तू ही उठा सकता था, सब ठीक है ना? अभी तो मैं 10 ट्रकों का सामान और भी उठा सकता हूं स्वामी। पर स्वामी, कुछ चुभ रहा है, सड़क पर कुछ है। चुभ रहा है?
इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।